नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर ये सीखने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों वेरिफिकेशन का अर्थ ये हुआ कि आप कैसे ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाले का आधार कार्ड फर्जी है या फिर नहीं है, यानी कि आप अपने आधार कार्ड के बारे में पता लगा सकते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो फर्जी तो नहीं है। तो दोस्तों ये तरीका कब काम आता है, जब मान लीजिए आपको किसी के आधार कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है कि सामने वाले का आधार कार्ड जो है, मान लीजिए आपकी कंपनी है, आपको कर्मचारी रखना है, तो उस कर्मचारी के आधार कार्ड फर्जी है या फिर मतलब कई लोग फर्जी काम करवा के लाते हैं, तो इस बात की जानकारी आप आराम से घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि सामने वाले का आधार कार्ड फर्जी है या फिर सही है, और आप अपने आधार कार्ड के बारे में आराम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों यदि आपको भी जानना है कि आप अपने आधार कार्ड की सत्यता की जांच, यानी कि आप अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। यदि आपको भी जानना है तो हर वीडियो को साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं उस रुपया चौबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों ये आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों आधार कार्ड का वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि आपको UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ जैसे आप आते हैं आपको देखिए थोड़ा नीचे आना है एंड यहाँ पर आपको देखिए वेरीफाई यहाँ पे आधार नंबर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप आते हैं यहाँ पर देखिए आपको कुछ बातें लिखी नजर आएगी, हिंदी के अंदर आपको करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि यहाँ पर कहने करती है कि आप इस फीचर्स के जरिए, यानी कि हियर यू कैन चेक इफ़ यू आधार और आधार सबमिटेड टू यू इज जेन्युइन और नॉट, यानी कहने करते हैं कि आप यहाँ पर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो जेन्युइन है, यानी कि फेक है या फिर सही है। सही है तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं है तो वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। ठीक, आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको इस कैप्चा को इसके अंदर दर्ज करना है। चलिए हम दर्ज कर लेते हैं 6V कैपिटल J कैपिटल L एंड स्मॉल J एंड यहाँ पर प्रोसेस टू वेरीफाई यहाँ देखिए लिखा होने जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, यानी कि आपका जो आधार नंबर है बिल्कुल सही है और बिल्कुल फेक नहीं है, यहाँ पर आपका आधार कार्ड बिल्कुल सही है, यानी कि आधार नंबर इज एग्जिस्ट, यानी कि आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर इसका रिकॉर्ड ऑलरेडी है, यानी कि आधार नंबर बिल्कुल सही है, फेक नहीं है। इस बात की जानकारी आप आराम से इस तरह ले सकते हैं। ठीक, और दोस्तों आपको इसके अंदर और भी जानकारी मिल जाती है कि आपके आधार कार्ड के अंदर कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। ठीक, यहाँ देखिए दिखा दिया गया है, जिसके घर में कोई मोबाइल नंबर होगा जिसके लास्ट में अगर 3 अक्षर आपको पता हो तो आप आराम से जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड के अंदर कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। एंड स्टेट एज क्या है, मतलब देखिए एज जो आधार कार्ड की मैंने डाली है वो 10 से 20 के बीच में है। ठीक, तो बिल्कुल सही बता रहा है, मैं भी जानता हूँ इसका। ठीक, तो दोस्तों यही तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन आराम से करवा सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया है कि आप कैसे UIDAI यानी कि दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, यानी कि आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर आप आराम से अपने आधार कार्ड की वेरिफिकेशन आराम से करा सकते हैं। ठीक दोस्तों, आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों आपको इस वीडियो संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं, सीधा तौर पे आपके लिए हेल्प साबित हो पाएंगे। दोस्तों मिलता है वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।